हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप? होप यू डूइंग ग्रेट माय फ्रेंड। फ्रेंड्स, आपके लिए एक सुनहरी मौका है। अगर आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लव वंस के लिए जो इंडिया के मोस्ट दो फेमस ब्रीड है, पग एंड जर्मन शेफर्ड, अगर आप ये पप्पी, दोनों में से एक पप्पी जीतना चाहते हो, एक छोटा सा कॉन्टेस्ट है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये सारी वीडियो को एंड तक देखना है। आपको मालूम पड़ जाएगा कि कैसे कैसे आप ये डॉग अपने फैमिली में एक नया फैमिली मेंबर, एक नया गिफ्ट अपने लव वंस के लिए ला सकते हो, दे सकते हो। तो प्लीज ये वीडियो पूरी देखिए माय फ्रेंड। चलो, नो, एंटीटिक स्प्रे। ये जैसे इसके बाल अभी गीले हैं तो लगभग इसको ब्रश करूँगा 10-15-20 मिनट, उसके बाद फिर ये स्प्रे काम में आती है। अगर आपके पास ग्लव्स हैं, आप ग्लव्स पहनिए, क्योंकि बॉडी में स्प्रेड करना होता है, जिसको कहो कि बिछाना होता है पूरी बॉडी के ऊपर। बाद No. लोग कहते हैं हस्की इंडिया में रहते नहीं है, और ये हमारा एक है जो ठंडी से डरता है। देखो, ये देखो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब नहलाते हैं डॉग को हेयर फॉल होता है, ऐसा असल में है नहीं। रीज़न क्या होता है, बहुत सारे बाल जो होते हैं वो दूसरे बालों के साथ चिपके हुए होते हैं, जब वो नहलाते हो तो वो सब निकल जाते हैं। नो, चली, आप नहीं जा सकते। ओ, पानी में जा रहा है। जो ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है हस्की के नहलाने में, उनके पूंछ, उनके बाल यहाँ 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 उतने घने नहीं होते जितने पूंछ में होते हैं, तो वेरी डिफिकल्ट दिस थिंग। ऊपर से अगर आपका डॉग रुके ही ना, जा रहा है चलो, अब टावल की बारी। गो, नो,
बाथिंग में आप चाहे किसी भी कंपनी का यूज़ करो शैम्पू, लेकिन प्रॉपर जो मेथड वही होता है कि 5-10 मिनट डॉग को रब करो शैम्पू लगाने के बाद। और वैसे आप जानते हैं पहले डॉग को गीला करना है, फिर शैम्पू लगाना है और फिर रब करना है। और आप गर्मी ज़्यादा है हफ्ते में 2 बार दे सकते हो, कुछ ब्रीडों को हफ्ते में 1 बार दिया जाता है, डिपेंड्स ऑन ब्रीड एंड डिपेंड आपके एरिया का टेम्परेचर क्या है उस हिसाब से। तो ये बात। नेक्स्ट थिंग्स एंटी टिक स्प्रे। ये जैसे इसके बाल अभी गीले हैं तो लगभग इसको ब्रश करूँगा 10-15-20 मिनट, उसके बाद फिर ये स्प्रे काम में आती है। अगर आपके पास ग्लव्स हैं आप ग्लव्स पहनिए, क्योंकि बॉडी में स्प्रेड करना होता है, जिसको कह लो कि बिछाना होता है पूरी बॉडी के ऊपर बालों के ऊपर, क्योंकि ये स्प्रे होता है उसी हिसाब से वहीं कहीं ना रुक जाए, नहीं तो वहाँ पर गुच्छे बन जाते हैं बालों के और दवाई पूरी बॉडी में जाती नहीं है, पूरी बालों के ऊपर। ऐसे हाथ के साथ करोगे तो चिपचिपाहट सी होती है। ग्लव्स यूज़ कर लो या ब्रश, डॉग के ब्रश होते हैं वो यूज़ कर लो। और ये टिक्स के लिए किसी भी कंपनी का ये स्प्रे बहुत बढ़िया होता है। आँख मुँह नाक से बचाकर डॉग के जो सेंसिटिव पार्ट होते हैं, जैसे कानों के यहाँ, बर्दन के आसपास, यहाँ पर इस पार्ट ऑफ बॉडी में, पैरों की उंगलियों में, वो चीज़ पर जरूर। हाँ, अगर आपको वो रीढ़ की हड्डी पर डालने वाली दवाई यूज़ करनी है उसके लिए, फिर आपको अगर डॉग को बाथ दिया है उसके लगभग 48 घंटे के बाद फिर आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वो जो दवाई होती है वो डॉग की सूखी बॉडी के ऊपर इम्प्लीमेंट की जाती है, ड्राई के ऊपर नहीं, गर्गीले के ऊपर नहीं, सूखी स्किन हो। और 48 घंटे लगते हैं डॉग की स्किन को सूखने में। कैसा रहा बात अली, मज़ा आया? इसको मज़ा आया, देखो, चलो ये मत किया करो। फ्रेंड्स, आप बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपको फ्री डॉग चाहिए, तो हमने एक छोटा सा कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया है कि कैसे आप एक फ्री डॉग ले सकते हो इन दो ब्रीडों में से, जर्मन शेफर्ड या पग, क्या आपको लेना है ये आप पर डिपेंड है, कैसा आपका घर है, क्या कितना समय आपके पास, आपको वॉच डॉग चाहिए, गार्ड डॉग चाहिए, या एक पग की तरह अच्छा फैमिली डॉग चाहिए। होला शोला चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। अपने फेवरेट सोशल मीडिया नेटवर्क साइट्स पर भोला शोला चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें। अपने दोस्तों, पड़ोसियों, पेट लवर्स के साथ हमारे वीडियोस और चैनल संबंधित जानकारी को साझा करें। फ्रेंड्स, आप बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपको फ्री डॉग चाहिए, तो हमने एक छोटा सा कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया है कि कैसे आप एक फ्री डॉग ले सकते हो इन दो ब्रीडों में से, जर्मन शेफर्ड या पग, क्या आपको लेना है ये आप पर डिपेंड है, कैसा आपका घर है, क्या कितना समय आपके पास, आपको वॉच डॉग चाहिए, गार्ड डॉग चाहिए, या एक पग की तरह अच्छा फैमिली डॉग चाहिए। होला शोला चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। अपने फेवरेट सोशल मीडिया नेटवर्क साइट्स पर भोला शोला चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें। अपने दोस्तों, पड़ोसियों, पेट लवर्स के साथ हमारे वीडियोस और चैनल संबंधित जानकारी को साझा करें।